नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। सो आज का जो हमारे साथ जुड़ेगा वो ही इज़ अ वेरी अमेजिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ही वॉज द फर्स्ट रनर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आइडल 2019। सो प्रेजेंटिंग टू यू जीके भाई। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑन बिहाफ ऑफ द टाइसन टॉक शो वेलकम आपको वेलकम करता हूँ यहाँ हमारे शो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। या मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऑडियंस को कुछ अपना बारे कुछ बताइए। श्योर श्योर श्योर। हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम जीके भाई है और जैसे कि होस्ट ने बताया मैं एक सिंगर हूँ, गाना गाता हूँ, लिखता हूँ और आप सबको एंटरटेन करने के लिए ट्राई करता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि शो शुरू हो जाए, सबसे पहले मैं हमारा दी टाइसन टॉक शो का MD सर से इतना मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम दोनों का पहचान बहुत साल काफ़ी सालों से है, 10 साल से लगभग। सो उन्होंने याद किया आज हमको, इतना 10 साल से इतना प्यार दे रहे हैं तो आज उनका शो अच्छा खासा चल रहा है। सो हमको मौका दिया है इसमें अपना नाम बताने का, मेरा चेहरा दिखाने का और स्पेशली ये गाउन, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। सो लाइक बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर राउंड, आपका जो नाम है जीके भाई, ये जो कि आपका मम्मी पापा का दिया हुआ नाम है कि और या लाइक ये मम्मी पापा का दिया हुआ ही है। स्टोरी ऐसा है कि जब नयन हम पैदा हुआ था तो उसमें नॉन ट्रेवल का वो आ रहा था, ट्रेंडिंग आ रहा था कि भाई भाई वाला ना, वो ट्रेंडिंग चल रहा था। तो माँ पिताजी क्या है, वैसे हम गांव से है, बस्ती से है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ साल यहाँ जस्ट स्ट्रगल कुछ के लिए आया तो यहाँ में हमको पैदा हो गया नाहरलगन में। तो उन वहाँ भाई समथिंग सुन लिया नॉन ट्रेवल वाला फील, तो उनसे करते 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 एक्चुअली ये भाई शब्द जो मेरे लिए लकी है, सबका भाई जीके भाई है, लड़कियों लड़कियों जो समझदार है वो समझता है, लेकिन हम बोलते हैं सबका भाई जीके भाई लकी है, लकी हो के जैसे कि आपको पता है आपने जैसे मेंशन किया नोटिस ताइडर में भी मैं अपना नाम को लकी समझता हूँ। यस यस एब्सोल्युटली एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, दो इट्स वेरी लेट बट इट्स लाइक नोटिस आइडल में ये कि हमारा या अरुणाचल से जीत के आना एक बहुत बड़ा बात है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो या हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे। सो लाइक जैसे कि लाइक एज यूजल हम आपको बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर राउंड, हमारे जो ये शो है ये टॉक शो लाइक हम लोग फॉर्मल टॉक से नहीं करते हैं, हंसी मजाक लाइक फ्री से ना खुल के हंसी मजाक करते हैं। देखा है, मैंने एपिसोड्स देखा। यस यस यस। तो हम लोग अब मैं चाहता हूँ कि आप खुल के जवाब दीजिए लाइक जो भी है, खुल के लाइक फ्री होके जवाब दीजिए। सो इतना टांग मत कीजिएगा, डर लगता है, एपिसोड्स मैंने देखा है। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। सो जस्ट मैं बहुत लाइक नोटी क्वेश्चन बहुत कम होगा आपके लिए क्योंकि आप जैसे आप दिखते हो वैसे ही है, लाइक आप मैंने सुना है आप लाइक यू आर सो लाइक स्वीट काइंड ऑफ पर्सन। सो ओके, सो आपका फर्स्ट म्यूजिक एल्बम कौन सा था, लाइक ऑफिशियल म्यूजिक एल्बम? अच्छा, ऑफिशियल तो आफ्टर द शो ऑफिशियल्स बहुत अपना डायलॉग में निशी में किया है, लेकिन मैं ऑफिशियल एक रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है, मेरे चैनल में नहीं हुआ है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस में रिलीज़ हुआ है, हिंदी नंबर है, कह दो ना करके एक टाइटल गाना का टाइटल ऑफिशियल सॉन्ग ऑफिशियल है। तो उनको लिखा है जय बंसाली जी ने, वेस्ट बंगाल से हैं। ओके, तो जय बंसाली ना, जय बंसाली। ओके, और कंपोजिशन मैंने किया था और डुएट है एक्चुअली खुदा मेमा के साथ। सो ये ऑफिशियल था। तो ये अभी रिसेंटली अपलोड हो चुका है कि अपलोड रिसेंटली हो चुका है दूसरा प्रोडक्शन में। हाँ हाँ। सो गाइस जैसे कि कहा गाना का नाम कह दो ना, कह दो ना, तो आप लोग प्लीज यूट्यूब में जाइए सर्च कीजिए। सो ये बहुत ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। एंड लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था जो फर्स्ट म्यूजिक एल्बम, एंड जो डायरेक्टर है जो सॉन्ग राइटर है वो जैसे कि वो अब्रॉड लाइक आउट ऑफ स्टेट का है, तो उसके साथ काम करके आपको कैसे लगा, एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए हमारे। वेल एक्सपीरियंस तो क्योंकि मेरा कुछ लोग ऑडियंस है मैं हमसे जो बहुत एक्सपेक्टेशन करता है, तो मेरा नर्वस भी था कि ये प्रोजेक्ट को लेकर हम कैसे करेंगे, लेकिन नॉर्मली यहाँ का बोलता है ना कि यहाँ में
जितना हिंदी बनाओ लोकल टेक्सचर आता है। मैंने ट्राई किया कि उससे थोड़ा सा हटके करे, तो जितना सुना है लोग तारीफ मिल रहा है, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और आप सब जिगम प्रोडक्शन है उनमें जाइए यूट्यूब में और कह दो ना जो दिल में जो बातें हैं, ये बहुत अच्छा लाइन है, गाना भी बहुत अच्छा है, ट्राई किया है मैंने बहुत अच्छा से डिलीवर करने का। सो आप सब सर्च कीजिए और उसको सुनिएगा। ओके जरूर, हम अभी जस्ट आफ्टर दिस शो आई विल जस्ट गो टू दैट। सो मैं चाहता हूँ आप लोग भी जाइए। एंड जिगम जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही पुराना प्रोडक्शन है अरुणाचल प्रदेश में। सो वहाँ पे लाइक दे आर मैनी बहुत अच्छा अच्छा गाना वहाँ पे लाइक दे यूज टू अपलोड मेक और बना के अपलोड करता है। सो रिसेंटली जो जीके भाई का जो वीडियो है वो भी रिलीज हुआ है, आया। सो प्लीज़ गो टू दैट। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लाइफ में एक ऐसे लाइक मस्ती वाला कुछ किक वाला पार्ट लाइक कुछ ऐसा कुछ क्या था आपका लाइफ में किक वाला पार्ट? या वैसे तो किक वाला पार्ट एज ए म्यूजिशियन एज ए सिंगर किक वाला पार्ट हुआ है, नहीं होता ही है अभी भी। कभी कभी उस चीज़ से दुखी भी हो जाता हूँ। किक वाला पार्ट तब लगता है हमको, दिल पे किक तब लगता है जब हम स्टेज पे उठेगा, हम ऑडियंस से मेरे गाने से ज़्यादा जब कनेक्ट होता है तब किक से भी किक लगता है। ओके यस यस एंड आपके साथ कभी लाइक स्टेज फियर ऐसा कुछ एनजाइटी ऐसा कुछ हुआ लाइफ में लाइक कुछ एक्सपीरियंस किया आप? ये बहुत लोगों के साथ होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है, इवन बहुत ग्रेट आर्टिस्ट लोग के साथ भी होता है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इज डेंजरस फॉर यू नो। तो होता है, हर बार होता है, लेकिन उनको संभाल सकना अभी थोड़ा मैं सीख गया हूँ, क्योंकि इधर उधर थोड़ा परफॉर्मेंसेस अभी आने लगते हैं और उसमें एक्सपीरियंस और हो जाता है, तो संभाल लेता हूँ मैं। तो एक्सपीरियंस के साथ जो ये जो डर है जो स्टेज फियर है वो गायब हो जाता है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। अब लाइक आपके फैमिली वाला लाइक पहले से आपका जो सिंगिंग जो आप जो ये करियर चूज़ किया है, सो आपका फैमिली लाइक स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट करता था कि like, कुछ आपका फैमिली के बारे में बताइए। वेल फैमिली बोले तो बहुत सैड है, ये हमने कभी रिवील नहीं किया, बट मेरा पेरेंट्स नहीं है बचपन से। मेरा पेरेंट्स नहीं है, तो मैं अपना नानी के साथ पला पड़ा हूँ बस्ती से, तो वो सपोर्ट करते थे वो। यस यस सपोर्ट का पता नहीं, क्योंकि वो बुढ़ी बुढ़ा लोग ऐसे होते थे ना कि वो अपना ड्यूटी इनको क्या करना है, सुबह उठना है, खाना खाना है, केटी जाना है, आना जाना। तो मैं थर्ड स्टैंडर्ड तक लाइक उस चीज़ से कनेक्ट था, जैसे कि मैं सिंगिंग करता था थर्ड स्टैंडर्ड तक, लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मैं करता था, नानी माँ को पता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब एक स्टोरी ऐसे है कि जब मैं करते करते गाना गाते गाते थर्ड स्टैंडर्ड पहुंच गया, उसके बाद ऐसा हुआ था, चीफ मिनिस्टर सर जो उस टाइम को हमारा दोरजी कंधो सर थे, तो हमारा जो गांव है जो ताली है, ताली है अभी भी गांव ही है, ताली है, उनका स्कूल का, हाँ स्कूल का गोल्डन जुबली हुआ करता था, तो उनमें कल्चरल जो कंपटीशंस होते हैं ना, तो बहुत इधर उधर मैं लगभग 7-8 साल ऐसे कुछ दे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट ले लिया, क्योंकि स्कूल की तरफ से भेज दिया कि हमको करो स्कूल की तरफ से, तो गाया छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, गा दिया, फर्स्ट प्राइज मिला, उन मुझे याद है 450 रुपीस दिया थे। तो आई गेस उस समय तो इट वाज 450 रुपीस। यस कौन सा साल को था वो लाइक 2006 or 2007 समथिंग। तो 450 रुपीस आपने उस पैसा से क्या किया? उस पैसा से हमने क्या किया, पहले तो मैंने 350 रुपीस मैंने अपना नानी को दे दिया। यस दे दिया। हाँ 100 रुपया मैंने रख के मैंने क्या किया, उस जमाने में क्या होते थे वो छोटा वाला टेप रिकॉर्ड होते थे ना, सेकेंड हैंड में एक लिया एक दोस्त से 80 रुपीस में, तो फिर क्या बचता है 20 रुपया बचता है, उससे मैंने क्या किया बैटरी खरीदा, पेंसिल बैटरी, तो उनसे मैं सो इनकरेजिंग। सो बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड जो व्यूअर्स का क्वेश्चन है ये, विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक? यू नो एज ए म्यूजिशियन
हमको अभी तक लोग कहते हैं रोमांटिक दिखता भी रोमांटिक है रोमांटिक मैच करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर जोनर को हर जेनर को मैं टच करूँ म्यूजिक एज ए म्यूजिकली। सो मैं कोशिश करता हूँ जेनर में रॉक हो या पॉप हो या सॉफ्ट जो भी हो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे रोमांटिक ही पसंद है। ओके रोमांटिक वाला रोमांटिक सॉन्ग्स ना। चलो लाइक तो आप जो सभी गाना पसंद करते हैं लेकिन सबसे टच वाला रोमांटिक दिल में है। ओके सो आई गेस बहुत इसमें भी कुछ राज छुपा हुआ है। ओके सो अभी थोड़ा हंसी मजाक करेंगे अभी। अभी होगा अभी हम लोग का MCQ राउंड। सो इसे कहते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा तो उनमें से आपको एक चुनना होगा। बहुत ही आसान है। सो बहुत ही लाइक सिंपल क्वेश्चन है। सो आप रेडी हो? ओके इंटरेस्टेड इन गर्ल्स और बॉयज? ऑब्वियसली गर्ल्स। सबका भाई जी के भाई बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए। ओके सो लव और फ्रेंडशिप? एक चॉइस करना ना। यस अगर लव और मैं अगर तीसरा ये होता मैं दोनों को चॉइस करता क्योंकि दोनों लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। लव फ्रेंडशिप। यस ओके दिस वाज सेटिस्फाइंग आंसर। सो द नेक्स्ट इज सिंगिंग करियर और गवर्नमेंट जॉब? ये तो बहुत टफ है, टफ क्वेश्चन है क्योंकि जो अरुणाचल में अभी जो आर्टिस्ट का जो हाल चल रहा है तो उनका रिलेटेड को लेके ये बहुत टफ क्वेश्चन है। वैसे एज ए आर्टिस्ट हम क्या करते हैं, हम दिल से करते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, उससे क्या मिल जाता है वो भगवान का कृपा है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है ये भी बहुत नेसेसरी है इंसान के लाइफ में, ये लाइफ सिक्योर है। तो इतना भी व्यूअर्स है जो बडिंग आर्टिस्ट है जो मुझे देख रहे हैं, मेरा तरफ से उतना सजेशन दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही है। अगर मिलता है तो उसको पकड़ के रखिए। और आर्टिस्ट आपका जो टैलेंट है आपका दिल में वो कहीं नहीं जा रहा, आपका दिमाग में है, आपके हाथ में है, जब तक सांस है वो चलते रहेगा। गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी नेसेसरी। सो इसीलिए आपका पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, ग्रेजुएशन कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए और उसके बाद पकड़ के रखिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं पकड़ने का। सो ओके देन यू चूज गवर्नमेंट जॉब? उल्टा जवाब दे दी। ओके गवर्नमेंट जॉब। ओके तो ओके द लास्ट क्वेश्चन द लास्ट MCQ क्वेश्चन इज जीके भाई सिंगल और टेकन? अरे बाप रे झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, सच बोलेगा भी तो पकड़ा जाएगा। टेकन। ओके बहुत ऑनेस्ट जवाब था। सो दिस वाज MCQ यही पे समाप्त होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन आंसर राउंड पे। ओके सो आपका जो जैसे कि आपने कहा कि आपको रोमांटिक सॉन्ग पसंद है तो लाइक कौन सा लाइक जो आर्टिस्ट है कौन सा सिंगर को आप ज़्यादा सुनता है? रोमांटिक मैं सबको सुनता हूँ एक्चुअली, मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके सब लाइंस बहुत अच्छा होता है उनका रोमांटिक। रोमांटिक बोलेंगे तो सब का है, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है अरिजीत सिंह। ओके आई इवन लव अरिजीत सिंह। ओके तो आपका फर्स्ट कंसर्ट कहाँ पे था? फर्स्ट कंसर्ट? यस ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियल? ऑफिशियल वाला। एंड लाइक इफ पॉसिबल लाइक हाउ मच यू वाज पेड? अगर सदने से यू कैन शेयर लाइक फर्स्ट ऑफिशियल। फर्स्ट ऑफिशियल आफ्टर द शो ना, आफ्टर द आइडल। लाइक इससे आगे भी अगर कुछ शो वो किया तो आप शेयर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को मैं बहुत ट्रिकी से जवाब देना चाहूँगा। मैं आज तक जितना शो मैंने किया, छोटा शो बड़ा शो करता हूँ, लेकिन जो आगे आपको जो स्टोरी बताया है तो सबसे वैल्यू उन 450 में है मेरा हिसाब से। तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ गया।
तो मैं मेरा जवाब यही हो, मेरा जो पहला शो था, मेरा पहला जो प्राइज था, फर्स्ट प्राइज जो 450 रुपये सबसे यस वो दैट इज ह्यूज क्या बोलेगा इसको रिवर्ड सो ओके एंड व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ टिल नाउ बिगेस्ट चैलेंज मेरा लाइफ पहले कभी रिवील नहीं किया इस फर्स्ट टाइम रिवील कर रहे हैं सो बिगेस्ट चैलेंज मेरा लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि ये 2016-17 का बात है तो वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत गुड बॉय वाला था गुड बॉय है अभी भी गुड बॉय है yes. लेकिन क्या होता है गुड हो के पता नहीं क्या हो जाता तो बीच में बीमार हो गया था बीमार इन द सेंस सम काइंड ऑफ ट्यूमर और कैंसर ना तो ऐसा हो के मैं बहुत स्ट्रगल किया कैंसर से लड़ा कम्प्लीटली वन ईयर न्यू ईयर वेटिंग नाइट को भी मेडिकल में ही मनाया सो ऐसा हो के मैं फिलहाल आई एम ए सिंगल किडनी पर्सन ऐसा है ये सो सॉरी फॉर दैट एनी वे आपके लिए लाइक वो समय वो पल कैसा था लाइक दैट डिड वन ईयर होल ईयर आप कैसे लाइक कैसे था मेरा मानना है कि कोई किसी ने कहा था कि जो होता है कुछ रीज़न के लिए होता है और उस रीज़न पे हम अच्छाई ढूंढे तो सब अच्छा ही होता तो उस टाइम समझ रहा चीज़ हम सब जान रहा था कि ऐसा हो रहा मेरा साथ जो हम भगवान से भी पूछ रहा था वाह है ना जो क्योंकि कहते हैं ना लोग बोलते हैं सिगरेट दारू पियो ये करते उनका कैंसर होता मैंने कुछ टच भी नहीं किया था उस टाइम अभी भी टच नहीं करता सो मेरे साथ क्यों है मैं दिल से पूछता था लेकिन मेरा मानना यही है कि जो होता है रीज़न अच्छा के लिए होता है उनमें मैं पॉजिटिव ढूंढा चलो इसमें कुछ रीज़न तो हो एक्चुअली उस टाइम मैं म्यूजिकली इतना एक्टिव नहीं रहा था उस टाइम तो आफ्टर ये ऑपरेशन जो बीमारी हुआ उसके बाद मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व हो के तो आज आपके सामने हूँ एज ए म्यूजिशियन तो यही रीज़न हो सकता है हम खुद को यही मानता है तो आगे क्या होगा सक्सेस होगा नहीं होगा हमको पता नहीं है लेकिन यही रीज़न अच्छा रीज़न है आई लव म्यूजिक सो इससे ज़्यादा क्या होगा लाइक तो सिंस यू आर एक लाइक वो सिचुएशन से ओवरकम कर चुका है ना सो देर आर मैनी व्यूअर्स ऐसे लाइक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा होगा तो आपका थ्रू से क्या मैसेज देना चाहते हो लाइक टू दोज पर्सन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मेरा उस दौर से जो गुजर रहे हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी जैसे बोला कि जो होता है कुछ रीज़न के लिए होता है बी पॉजिटिव और पॉजिटिव चीज़ ही है जो आपका असली मेडिसिन ना आप पॉजिटिव रहेगा तो मेरा मजाक में मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों से किसी कोई फैमिली से भी मर जाने से भी कोई बात नहीं बी पॉजिटिव ओके मर गया तो भी हंस के खुशी हो के मरो क्योंकि जो होना है होता है उनको कोई नहीं ढाल सकता सो बी पॉजिटिव और खुश रहने के लिए ट्राई करो जब तक आप खुश नहीं रहेगा आप जिंदा रह के भी पैदा जिंदा रहना और जीना डिफरेंट बात है आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा जी सकता है आप जिंदा रह के जी रहे बोल के नहीं आप भी पॉजिटिव और खुश रहेगा तो छोटा समय में भी बहुत सारा कुछ जिंदगी जी सकता है थैंक यू ये मैसेज आई होप बहुत बहुत जो भी देख रहे हैं बहुत आदमी उसको लाइक वो सुन के बहुत लाइक दे विल बी एनकरेज सो ओके तो मैंने भी देखा आपका वीडियो एक थू लाइक आई गेस यू आर एट हॉस्पिटल एंड यू सिंग एक गाना गाया था आप तो ये फेसबुक पे बहुत फेमस हो गया था तो जब मैंने वो वीडियो देखा अभी आई जस्ट रिमेंबर्ड एंड वो गाना लाइक इट वॉज सो गुड सो आई वॉन्ट यू टू सिंग दिस सॉन्ग अगर इफ अगर आपको आप लाइक आपका इट्स अ रिक्वेस्ट एक्चुअली उस टाइम मैं खुद को दिखा रहा था मैं इमोशनल नहीं हूँ बट
म्यूजिकली चुपता नहीं है चीज़ जो इमोशन जो ना, क्योंकि दिल से निकलता, तो मैं बहुत ही रोमांटिक प्लस इमोशन गाना है, कल होना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जी, तो ये दो लाइन तो ट्राई कर सकते हैं। आप गिटार भी यूज कर सकते हो चाहो तो। ओह श्योर। बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। इतना ही ज्यादा गाने से इमोशनल। या थैंक यू सो मच। ओके आपका आवाज़ आप लोग भी सुनी लिया होगा, मुझे लाइक आई वॉज योर फैन, वो उस समय से फैन था, सो आई रियली लव योर वॉइस। थैंक यू। सो ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर यू इज, इफ यू वर्न ए सिंगर, अगर आप सिंगर नहीं होता तो आप क्या करते सिंगर सिंगिंग के अलावा? सिंगिंग के अलावा यस, मैं सिंगर नहीं होता तो मेरा प्लानिंग था वॉल में चिपकाया करता था स्टूडेंट स्कूल टाइम में, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके सो कोशिश करता उस लेवल पे नहीं होने से भी लगभग होता, आई थिंक लव फॉर दैट वर्क इज अभी भी है ना। ओके साइंस। ओके सो हु इंस्पायर यू, आपका जो इंस्पिरेशन है वो कौन है एज ए म्यूजिशियन और एज ए एज ए म्यूजिशियन एंड एज ए पर्सन, ऐसे वो भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम म्यूजिशियन। एज ए म्यूजिशियन कोई इंस्पायर कर ही नहीं सकता, ये कोई कोई होता है जो इंस्पायर होता है, मुझे क्या लगता है मैं म्यूजिक ही मुझे इंस्पायर करता है, कोई इंसान नहीं, म्यूजिक का कोई शक्ल नहीं है, म्यूजिक ही मुझे इंस्पायर करता है, तो मैं ये क्रेडिट किसी इंसान को नहीं दे सकता। I can say music inspired me. Okay, आप so it was like बहुत ही अच्छा आंसर जवाब था, music itself is a inspiration. Okay, तो अभी हम जाएंगे rapid fire round कहते हैं इसे, so इसमें आपको like आपको बहुत जल्द जवाब देना पड़ेगा। Okay, I will try. So okay, never have I ever stolen money. No. Okay. Never have I ever gone for a blind date. Blind date? Never. Never. जरूरत नहीं पड़ता। Okay. जरूरत नहीं पड़ा आपको। इतना मैसेज आता है। Okay. Never have I ever cheated a person. I've done. Done. Okay. Never have I ever paid rent. 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 नहीं ना? Okay. The last one. Never have I ever dated a girl who already has a boyfriend. किया है मैंने। किया है। Okay. So guys, I'm sorry for that. माफ करना। It's okay. Like okay, honest answer. इसी के साथ हमारा rapid round समाप्त होता है। Oh, okay. Thank God. Yeah. सो अभी हम फिर कुछ क्वेश्चन लाइक लास्ट में आ ही गया हम लोग, सो वी हैव ओनली एक दो क्वेश्चन बचा है, सो मैं वो मैं पूछना चाहता हूँ आपको जी। सो ऑडियंस वांट टू नो, आप कितना दिन तक, व्हाट वाज वो सबसे हाईएस्ट डे कौन सा डे था कि आप नहाया नहीं? हाईएस्ट डे आई थिंक 10 समथिंग, 10 दिन, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है
बिजी रह जाता है, बहाना नहीं है ये, ऐसा होता है हम लोग का इधर उधर का, तो हो जाता है. Okay, so the highest day was 10. 10 days something. Okay, so this was also very honest answer. कोई कोई लोग बहुत छुपाता है, but it was honest. So which place is your favorite place? यहाँ within Arunachal भी आप कह सकते हो, outside भी कह सकते हो. Which is your favorite place to perform? Perform. Live performance. जो करना चाहते हैं. Yes, or I really want to visit once Minchuka. Minchuka. Okay. देखा है सोशल मीडिया पे. सो वहाँ का वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, जगह को मुझे बहुत पसंद है. मेरे दिल से डिजायर है कि एक बार विजिट करूँ. सो जाते हैं तो मौका मिलता है तो परफॉर्म भी कर देंगे, क्योंकि वैसे तो हम सिंगर है, कहीं भी गा लेते हैं. ओके, so your dream destination is still Mechuka. Mechuka. Yes, बहुत ही सुंदर जगह है. Within Arunachal. Yes. Okay. So जो आपका थ्रू या जो budding artist है, जो like newly जो singing पे करियर बनाना चाहता है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो आपके थ्रू? First of all, मैं भी एक budding artist हूँ, मैं भी struggle कर रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो अभी स्ट्रगल कर रहा नया बच्चा, जो म्यूज़िकली जो फील्ड में अपना जगह बनाने चाहते हैं, उन सबों से मैं यही सजेशन दूंगा कि म्यूज़िक बहुत सुंदर चीज़ है, करते जाओ. पहले भी मैंने कहा, आपका दिल में है, दिमाग में है, आपका जहन में है, ये कहीं नहीं भाग रहा. उनके साथ साथ आप पढ़ाई को भी, रिपीट पढ़ाई को भी आप इम्पोर्टेंट लेके चलिए साथ में, बहुत आपका ही फायदा होगा. मैं खुद को लकी मानता हूँ. आई ग्रेजुएट फ्रॉम यू नो डी एन कॉलेज. सो बनता है. कुछ लोग हैं मैंने देखा मेरे साथ में जो सेम टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए म्यूजिशियन, कुछ डिस्ट्रैक्ट होके 12th ऐसे हो जाता है उन लोग का, कुछ होता है. तो पढ़ाई को इम्पोर्टेंट लेके मैंने भी यही किया, पढ़ाई को भी साथ साथ लेके जबरदस्ती करके ग्रेजुएशन किया, और म्यूजिक में भी आज अभी ये ओके म्यूजिक में भी अभी ये चीज़ कर रहा है, कंट्रीब्यूट करने के सोसाइटी में. सो दोनों को बराबर लेवल में ले जाएगा. तो आपको आगे जैसे आपका क्वेश्चन था, गवर्नमेंट जॉब का भी आपका है, और एज ए म्यूजिशियन तो आप रहेगा ही ज़िंदगी भर तक गाते, जब तक आप सांस चलेगा गाना तो चलते रहेगा, म्यूजिक तो डांस चलते रहेगा. सो बराबर ले जाइए, यही है. सो आपका यही मैसेज है कि लाइक जो बैलेंसिंग है, जैसे कि म्यूजिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो स्टडी से, उसको भी वो भी साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो थैंक यू. एंड लाइक लास्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, ये भी सेम एडवाइस ही है. सो आपके थ्रू जो व्यूअर्स है उसको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो ये टॉक शो के, लाइक थ्रू दिस टॉक शो आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो यू कैन शेयर जो व्यूअर्स है. पहली बात, ये टॉक शो बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का चल रहा है. आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ बहुत कम दिन में इतना प्यार मिल रहा है ये टॉक शो का तरफ से भी हम थैंक यू बोल रहे हैं जितना भी व्यूअर्स है. और ये टॉक शो को सपोर्ट कीजिए, और हम जैसे कलाकारों को जो छुपे हुए हैं उन लोगों को खींच के निकला चेहरा दिखाने का मौका दे, इसलिए टॉक शो को भी मेरे तरफ से बहुत थैंक यू. सो अगला जो सवाल है, सो एज एन आर्टिस्ट आप सोसाइटी को क्या, आपके थ्रू क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? एज ए आर्टिस्ट यू नो म्यूजिक जो ऐसे कमाल का चीज़ है जिसका लैंग्वेज नहीं है. सो मेन मुझे क्या लगता है, म्यूज़िक का पावर जो है ना, एक इंसान को ये दुनिया गोल है ना, ये पार का इंसान को उस साइड के इंसान से जोड़ सकता है. म्यूज़िक का पावर है, म्यूज़िक का लैंग्वेज है, प्यार से जोड़ सकता है. जैसे कि मैं अपना डायलॉग पे निशी में या जो भी करता हूँ तो सुनता है तो अपना मेरा कल्चर को समझ में आ जाता है वो दूसरे साइड वाला. तो म्यूज़िकली यही पावर है, जो प्यार को ना क्या कहते हैं,
कनेक्शन ना, जो दुनिया का जो इंसान का कनेक्शन को ना, एक दूसरे का सोच विचार, एक दूसरे का कल्चर को म्यूजिक के थ्रू ही हम लोग एक्सप्रेस कर सकता है. आई थिंक वही म्यूजिक के थ्रू ही एक्सप्रेस होता है आज तक, तो वही इम्पोर्टेंट है. ओके, सो अगला जो सवाल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द म्यूजिक दैट टीनएजर्स आर लिसनिंग टुडे? आजकल जो म्यूजिक चल रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान भी एवोल्यूशन हुआ है. हम अभी एवोल्यूशन होके ही हम ये कपड़ा पहन सक रहे हैं. उसी तरह म्यूजिकली जर्नी जो है एंशिएंट पीरियड से लेके एवोल्यूशन होके आजकल के एग्जांपल केपॉप हो गया. तो कहाँ कहाँ का म्यूजिक हम लोग सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं सुनता, हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, अच्छा लगता है. तो जो सुन रहा है अच्छा है, क्योंकि इंस्पायर होता है, उससे कुछ सीखने मिलता है. टिकटॉक कॉपी नहीं करना है, लेकिन सीखता है मैं केपॉप से भी, कहाँ कहाँ से भी मैं सुनता हूँ, सब सीखता है. सो आजकल के टीनेजर्स ऐसे नहीं, लोग जो एज दे कहते हैं ना, आजकल का बच्चा लोग ढूंढ ढड़क सुनता है क्या है म्यूजिक, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी म्यूजिक है, ये भी एक तरह का म्यूजिक है. सो आई अप्रिशिएट, आई जो म्यूजिक एवोल्यूशन है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, टाइम के साथ सब चेंज होना है, लेकिन अपना रूट को नहीं भूलना. यस यस एग्जैक्टली. सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड पार्ट. सो लास्टली आपको मैं आपके थ्रू लाइक जो अभी लाइक जो हमारे सोसाइटी पे जो अभी चल रहा है, वी कैन सी दैट मैनी यंगस्टर्स, मैनी यूथ्स, वो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड है, उन लोगों को आपके थ्रू क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हो? जितना भी यूथ देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल का दुनिया बहुत अच्छा भी है, बहुत ख़राब भी है. ख़राब इन द सेंस यू नो ड्रग एडिक्ट समथिंग इधर उधर का बहुत चीज़ बहुत हो रहा है. सो मैं यही कहना चाहूँगा, जितना भी ड्रग एडिक्ट लोग हैं जो छोड़ नहीं सक रहा है, उन लोग से एक्चुअली मैं भी डिप्रेशन में जाता हूँ. मेरा भी माइंड में आता है कुछ कुछ करने का, इधर उधर उल्टा पुल्टा करने के, लेकिन क्या है कि मैं खुद कंट्रोल करता हूँ, अपना आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ. वैसे तो म्यूजिशियन म्यूजिक बनाता हूँ इधर उधर. तो उसी तरह जितना भी ये है जो एडिक्टेड लोग हैं, हो चुके हैं, आप लोग भी अपने आप में पॉजिटिव ढूंढिए और अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए. लाइक स्पोर्ट्स हो गया, वैसे ईटानगर में तो अभी बहुत क्या कहते हैं फुटसल्स बहुत आ गया, उनका भी आप ये कर सकते हैं. और बहुत चीज़ है जो आप, अगर आप जीना ही चाहते हैं तो आप जी सकते हो कुछ भी करके आपका माइंड को. स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड मेडिसिन, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है जो अपना बदन के लिए. वैसे तो मैं बीमारी हूँ, तो फिर भी मैं अपने आप को फिट रखने का कोशिश करता हूँ. और यू नो जितना भी एडिक्टेड लोग हैं, आप लोग अपने आप में मज़ा ले रहा है, लेकिन आपका अगल बगल में क्या हो रहा है, कितना परेशान लोग परेशान, आपका पेरेंट्स भाई बहन चाचा चाची कितना परेशान हो रहा है, उनका फीलिंग्स को आप शायद समझने के लिए ताकत नहीं आ रहा है. लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समझने के लिए कोशिश कीजिए. अपना अपना सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ मत सोचिए, आप दुनिया के लिए, आपका फैमिली के लिए भी सोचिए. इसीलिए आज से ही आप शुरू कीजिए कि आप उस चीज़ से आप निकल जाए, आप उस गंदगी से निकल जाए. जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ड्रग एडिक्ट हैं आप लोग प्लीज़ स्पोर्ट्स के लिए, रिपीट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज़ है, और थोड़ा सा जी लीजिए क्योंकि आप दुनिया में जीने आए हैं. सो थैंक यू. ओके, सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है. एंड वी हैव नथिंग टू गिव, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ देने के लिए नहीं है, बट वी हैव ए स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम द टाइसन टॉक शो. सो आपको देना चाहते हैं. Okay, this is a small token of love from the Isn't Talk Show. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much. So, इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जीके भाई को फिर एक आपका फेवरेट सॉन्ग एक गा दीजिए फॉर आवर व्यूअर्स. सो अच्छा, मेरा गाना को दो लाइन ना, जैसे कि Thank you.
सो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया मेरा गाना है कह दो ना, यस, तो उनका ये वन ऑफ माय फेवरेट है मेरा क्योंकि दिल से जो काम करता है वो फेवरेट ही हो जाता है। सो दो लाइन चाहूँगा सुनाना चाहूँगा। कह दो ना दिल में जो बातें हैं, तेरा हूँ मैं ना कोई अजनबी। कह दो ना दिल में जो बातें हैं, तेरा हूँ मैं ना कोई अजनबी। ये पल फिर मिलेगा नहीं, मैं कहीं तुम भी होगी कहीं। ये पल फिर मिलेगा नहीं, मैं कहीं तुम भी होगी कहीं। पर एक बेचैन रहेगी हर दम दिल में थोड़ी दबी सी। कह दो ना दिल में जो बातें हैं, तेरा हूँ मैं ना कोई अजनबी। सो गाइज दिस वॉज जीके भाई, ऐसे ही आप प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। सो यही पे हम लोग अपना ये जो एपिसोड है यही पे रखेंगे। सो गाइज दिस वॉज जीके भाई, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सो यही पे हम अपना एपिसोड को समाप्त करेंगे। ऐसे ही अपना आप लोग प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। सो लव यू ऑल, जय हिंद।